अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व कर रहे हैं। उसका पार्ट नंबर 8 रह गया था, पिछले लेक्चर में मुकम्मल नहीं हो सका था, तो उसके पार्ट नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर जमा 17x जमा 33/4 ये इक्वल है 0 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होगा उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर जमा 17x ये इक्वल है -33/4 के। इस पर फार्मूला लगाते हैं, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 ए बी ये इक्वल है -33/4 जमा बी का मुरब्बा, इधर ऐड भी कर देते हैं, तो ए तो हमारे पास एक्स है, बी हमने मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए खुद बनाना है, तो अगर हम 17 / 2 करें तो यही रकम आ जाएगी, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 17x बच जाएगा, तो 17/2 का मुरब्बा इसको मुकम्मल कर सकता है, तो ये आ जाएगा x जमा 17/2 का मुरब्बा ये इक्वल है -33/4 जमा 17 का मुरब्बा ओपन करें तो ये हमारे पास आता है 289 289/4 ये आ जाएगा x जमा 17/2 का मुरब्बा, 4 इसका एलसीएम ले लेंगे, -33 जमा 289 आ जाएगा, ये x जमा 17/2 का मुरब्बा ये इक्वल आएगा हमारे पास 4, और 289 में से जब 33 माइनस होंगे तो हमारे पास बचेगा 256/4 256 बच जाएंगे, दोनों इतराफ का जजर लेने से x जमा 17/2 का मुरब्बा ये इक्वल है 256/4, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा x जमा 17/2 ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, जब 256 का जजर लेंगे, अगर हम यहाँ पर 256 की तजजी करते हैं तो 2 12 बार 24, 2 8 बार 16, 2 6 बार 12, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, तो इसके जोड़े बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 2,
ये 1, 2, 3, 4, ये 4 और 4 8 पूरे बन गए। इसका जजर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इसका जजर, और 7 प्लस माइनस लगा देते हैं, अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स जमा 17/2, ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस में 2, 2, 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका जजर आ जाएगा। जजर गलती से डाल गया मुझसे, अब इसका फिर दोबारा लेना पड़ेगा, तो हमने इसका जजर ले लिया और इसको फिर वैसे ही लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया x जमा 17/2, ये इक्वल है जमा माइनस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स जमा 17/2 ये इक्वल है प्लस माइनस में 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 के। ये एक्स जमा 17/2 ये इक्वल है प्लस माइनस, ये 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 16/2, एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 17/2, ये इक्वल आ जाएगा 16/2 के, और एक्स जमा 17/2 ये इक्वल आ जाएगा -16/2 के, यानी इनको एक बार जमा में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। ये एक्स जमा 17/2 ये इक्वल है 16/2 के, और एक्स जमा 17/2 -16/2 के इक्वल है। यहां से एक्स इक्वल आ जाएगा 16/2 -17/2, और एक्स इक्वल आ जाएगा -16/2 -17/2 के। यहाँ से 2 LCM ले लेंगे हम, ये आ जाएगा 16 -17, और एक्स इज इक्वल टू 2 LCM -16 और -17, ये एक्स इक्वल टू आ जाएगा -1/2, और यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा 16 और 16 32 और 1 33/2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास, -1/2 -33/2। आगे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 9 और 10 है। नौ भी बिल्कुल इसी तरह ही है, पहले उसका LCM लेके हमने उसको मसावात की शक्ल में बनाना है, उसके बाद फिर उस पर यही फार्मूला लगा के उसे सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ तक हमारे 8 पार्ट क्लियर हो गए हैं।